अस्सलाम वालेकुम। दिन जनाब आज बड़ा गर्मा गर्म है। रात 3 बजे वापसी हुई, अभी अपनी सुबह हुई। दिन के अगर 3 बज चुके होंगे अभी। बहुत तलक है बंदा है मजदूर के औकात से। इकबाल नहीं कहा था ना शायद। जी दे गया गड्डी का। कीड़ा चढ़ गया शहजान ने जनाब आज बिलाल को चैलेंज किया हुआ है। एक मशहूर गेम है शहजान, क्या नाम है गेम का? पबजी। पबजी का चैलेंज है किसके? बिलाल को। चैलेंज खेलने आया है। चलें खेलने। इधर ही हाँ। आज नुमान की अभी कॉल आई थी, कह रहा था कि गली में कोई बथुआ के बच्चे बेचने वाला आया, तो मैंने उससे 33 बच्चे खरीद लिए हैं। अब पता नहीं वो मिक्स तरह के बच्चे हैं। 200 रुपये का कह रहा था कि एक बच्चा दे रहा है, तो अभी मैंने निकाह तो है यहाँ पे तैयारी कर ले ताकि जब वो बच्चे लेके आ जाए तो फिर ज़रा आगे तैयारी मुकम्मल होना। बाट साहब को तैयारी की थी, ये नवे बच्चे आ रहे हैं तो उठा के रखे। और चुप्पे रखो उसने। ये सारे ठीक ने? कल दे दे सारा माल। कल नवे आए ने? हाँ जी, एक सिर्फ पुराना बेच रखे है भाई, इन्हें जान छा तो से बच्चे नवे आए ने सारे। बाकी सारे नवे। किन्ना से नवे ने तो एक बेच पुराना। पुराना केड़ा है? ए जी बड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा रख देना। कमजोर है। 10 बच्चे नवे आए ने जी। 10? हाँ। अच्छा, ते उन टोटल किन्ने हो गए? टोटल हो गए 10, 11, 16, 18। अच्छा अच्छा, 10 है, 16 है, 26 हो, 33 हो रहे ने। आ मैं दस दे, ओ किचन में आए ने, ओ को रेडी फेरी वाला आया को ले ने, ओ यार ने और भी सौदे करदा रहा तू। आ तो नहीं गया नदीम साहब। दही ले जानती जानती ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁਣ ਤੇ ਯਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਚੋਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਚਾਹ ਦੀ ਜਾ ਤੇ ਲੱਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਸੀ ਸਹੀ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਥਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਤਨ ਹੈ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ? ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਪਾਣੀ। क्या खेलने लगे हैं? आप इतने बड़े हो गए हैं और अभी भी गेम खेलते हैं। अब तो आप भी बड़े हो रहे हैं। चले इधर आए फिर एक सुबह दे कैमरे पे आ गए। अब बड़ा हो गया छोड़ रहे हैं ये गेम्स को, छोड़ के ना आप प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ तवज्जो करें। देखना तेरी मूंछें भी आ रही हैं।
नुमान तो आ गया लेकिन आया हाली हाथ है, अब पता नहीं बच्चे क्यों नहीं आएगा। हाँ जी शेयर तो पता है बच्चे थोड़े को कितने जी उतर छाड़ आए सौदा नहीं बनिया ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਪਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਬਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਧਰੇ ਆ ਚਲੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾਇਆ ਇਹ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਧਾਂ ਥਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਚੂਚੇ ਇੰਦੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ कुकड़ी थक जाती गर्मी काफ़ी है, अगर गोश बेचारे तो हमते ही रहते हैं। लेटे हुए आराम से, इनके क्योंकि नज़दीक है ना कूलर, ये सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ से बच्चों को पिला देंगे ये कपड़े खाने से किधर से निकल आते हैं, कपड़े खाने के चक्कर में। गर्मी बड़ी जबरदस्त हो गई है, दो दिन तो छुट्टी की है। वीडियो जो बनाते हैं फॉर्म की वो भी नहीं बना सके। सामान बिल्कुल बुक होकर जा रहा है, अड्डे पे पार्सल आ गए भी पैक हो गया, कब ये कार्डर आया हुआ। कल क्योंकि जुमेरात है तो इसलिए आज ही एक जानवर ज़िबा कर रहे हैं, तो दूसरा एक खरगोश भी खाने के लिए ज़िबा हो रहा है। तो ये जो जानवर की छिछड़े होते हैं ना जो बाहर फेंक देते हैं, वो ट्रे तो छुटे हुए परसा कहते जी नहीं अंदर ट्रे या कहा छुटते पर उसे कहा रखते हैं। ये इनके छिछड़े जो है ना चर्बी वगैरह ये इन्हें ला के पत्थरों को फेंकी है, तजर्बा करते हैं खाती हैं कि नहीं खाती, ये भी तो ज़ाय करते हैं ना। जब भी खरगोश ज़ाय करते हैं, मैंने कहा इनकी आंतरियाँ वगैरह सारा कीमा करके इन्हें फेंक दिया करें। असल में इन्हें खाना वाफर मिलता है ना तो याद रख पेट बढ़ा रहता है इनका, भूखी है फिर तो एकदम ही खा देना। इन्हें पता ही कोई नहीं कि तुसी छुट्टे है, ऊपर गिर गया तो गर्मी भी बड़ी है ना, इधर की हामती होती है। तो अगे देख के गया बकर कदे काले होए ने उड़े, बस आज पड़ के काट छोड़ दिया।
पता नहीं किन्ने बच्चे होर आंदे ने, खराब ही तो निकलने ने कोई बिच्चों। सर जी फिर एक चक्कर लगा के आते हैं, अब सब्जी फार्म पे देखते हैं वहाँ पे चल के बताओगे बच्चे भी अभी वहीं पे हैं, उनके उनको चल के ले के आते हैं, इधर उनकी तैयारी पूरी कर दी है हमने। इस गाड़ी के ना ये स्क्रीन पे ये इधर ना हराश बल्कि दराड़ आ गई है, अब इसको चेंज करना है। तो पता किया ये स्क्रीन 1.5 लाख रुपए की स्क्रीन पड़ रही है इसकी, ये भी काम करवाना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ी खतरनाक जगह पे है, इधर से हम देख रहे होते हैं और इधर ये हराश। तो सूर्य की रोशनी जब सीधी इस पर पड़ती है ना तो ये तारे तारे से बने नज़र आते हैं इस पर, तो इसलिए ये रिस्क है। बाट साहब रात को बट्टे पे ना थोड़े साइड पे कर छोड़े गल कर, तो मैं जरा पत्थर के बच्चे लेके आया। चल अकेला चल अकेला चल अकेला खा केला खा केला चल अकेला खा केला तेरा मेला पीछे छूटा रही खा केला। कल मैं देख रहा था एक मूवी में के एक गोरा जो है ना अपने शहर की मक्खियों को केला खिला रहा था, तो फिर हमारे जो यहाँ पे एक्सपर्ट है मैंने उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने कहा ये तो ऐसे फजूली काम है, इससे फंगस भी आ सकता है नेस्ट के अंदर हाइव के अंदर, और ये काम का मकसद भी कोई नहीं। माना भी खेल रहा था बस दूर दूर से उससे हेलो हाय हो गई है, गर्मी काफ़ी है अभी, वापसी भी अगर मिला तो फिर गपशप लगाएंगे। यहाँ चित्राल जाना है। चित्राल कड़े चित्राल नहीं इलाका पठाना का, कार्टून ही था कहता है जाके आगे ये गांव के साथ चित्राल है, 3-4 चित्राल है, बड़ा सीरियस होकर बता रहा है, मतलब इससे देखे हमारे वहाँ पे कैसा जबरदस्त गलत रिवाज है कि अगर चीज़ का नहीं पता ना ये नहीं कहते कि नहीं पता, बता दे ना झूठ बोल के। उमर फटूर क्या है ਉਮਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇਧਰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐ ਸਰ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਆ ਆਇਆ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾ ਲੈ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਗਰਮੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਰਮੀ ਡਬਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ये तो सारे क्रॉस देने मिक्स ने पीले सुबह सारे सारे क्रॉस देने ओ एक लगता है थोड़ा प्योर है जा ओ पर कुछ ऐसे ही नहीं ज्यादा मिक्स ही है ज्यादा पीले ने ते इन्होंने पानी क्यों नहीं रखा पानी रखे है किथे ਇਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿੰਜੇ ਮਾਰਿਆ ਤਰਿਆ ਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਚਮੁੱਟੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੀਗੇ ਬੀਗੇ ਮੌਸਮ ਨੇ
ਢਿੱਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਹੈ ਲੈ ਜਾਈਏ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਠਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਾ ਪੈਣੇ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਗੰਦ ਜੇ ਪਏ ਆ ਓਏ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਤਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਬੱਚੇ ਬਤਖਾਂ ਦੇ ਆਏ ਦੇ ਬੋਤੇ ਬਤਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬੱਚੇ ਆਹੋ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਲੇ ਤਲੇ ਰਾਹ ਚ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਚੱਲ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਫਿਰ ਦੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਪਰ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਥੋੜੋ ਮਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜੇ ਵੇਹਣੇ ਨਹੀਂ ਵੇਹਣੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਚਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਵਹਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਵਾਪਸੀ ਲਾ ਦੇ ਬਾਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਵੱਢ ਜਾਣ ਤਰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸ਼ਕਰ ਜਾਲੀ ਕੱਢ ਦੋ ਬਸ ਆਹੋ ਤੇ ਤਰ ਦੋ ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾ ਛੜੇ ਨੇ ਛੇੜ ਥੋੜੀ ਸੇਕ ਲੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘਾਹ ਦੇ ਯਾਰ ਉਧਰ ਪਿੱਛੇ ਆਹੋ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਕੈਂਚੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੋਤੇ ਵਾਲਾ ਡਿੰਗਾ ਅਬ ਬਤਖੋਂ ਕੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਮਾਹੌਲ ਮੇ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਰੀ ਚੂਚੇ ਸਾਰੇ ਇਸਮੇ ਆ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਭੀਗੇ ਹੋਏ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੂਕੇ ਨਾ ਉਹ ਧੁੱਪੇ ਧਰੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡੀ ਹੋਵੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰੱਖੇਂਗੇ ਧੂਪ ਮੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਇਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਮਿਕਸ ਨੇ ਕਾਲੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਚਲੋ ਵੱਧ ਜਾ ਸਹੀ ਅੱਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ ਉਂਝ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਨੂੰ ਕਰਕੜੇ ਪਏ ਆਪਦੇ ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ
शुरू होने यार अबू बकर कम खराब है जरा फीड तरी ना अभी बढ़िया ना फीड ना चमुट जाना फीड कट लो बस एक बार खुश को लाएंगे खुश को फिर फीड रखने यही देखे बीच बढ़ गया इन सारे इन शामी चोखा सुकया जाए ना भी हूँ खुरकड़ लग पे धुप लगी सुन बैठे मामा ये हम तो जा रहे हैं ये गीला हो गया था तो इसको इधर खुश करने के लिए रखा हुआ है लटकाया नहीं हुआ तो ऐसे है ना कि अब वो दाना हमने बाहर निकाल दिया ना उसमें कहीं गीला ना चिमुट जाएगा जैसे पहले चिमुट गया था हाँ तो अब अगर बिल्ली आया ना तो उसे नहीं खाने देना ठीक है ना इधर ही देगा बिल्ला आया ना बिल्ला खाने बिल्ला आया तो वो एक खा ले उसे दे देना बिल्ली आई ने फिर उसे नहीं देना तो अभी इसको ना ना पानी डालना है ना दाना डालना है ठीक है रात को पंखा नहीं चलाना रात को इसकी तरफ मुंह करके वरना मर जाएगा छोटा बच्चा इसे निमोनिया हो जाएगा 11-16 किन्नी हो 11-27 63 त्रेठ ते सताई किन्ना हो गया त्रेठ सत पौधे हो गया सत्तर अस्सी हो गया ते अस्सी नब्बे सौ सौ पूरा हो गया है ना सौ दे करीब करीब सौ सौ पूरा बड़ी गल है तो उत्तों वाला पिंजरा ना जी ऊपर से खोल के जाली इधर पानी रखना वो सेंटर ही रखो सेंटर ही ओ पानी अब इनको रख दिए अगर खुराक मज़ेदार हो ना तो फिर बकरियां बड़े शौक से खाती इस कदर शौक से खाती है ये तो पागलों की तरह ये बच्चे तो हमने यहाँ पे रख दिए धूप में ये खुश हो जाए तो फिर अंदर रख देंगे इन्होंने गलती की ना गीले कर दिए तो बेचारों को ठंड लग रही महान को समझाया तो बहुत है कि इन्हें धूप में रखना है आखिरी जब तक धूप रहे ना तो इसे आखिरी वक्त तक धूप रखवानी है पर मामा खान को समझाना बात ऐसी है जैसे कान में टक हाँ जंगली भैंस के आगे बीज बजाना ये देसी तो फिर भी समझ जाती होगी वो यहाँ उधर भट्टी साहब देखें बैठ के तो नहा रहे हैं ये तारी लगा रहे मन दिहाड़ी ला रहे सिर्फ पहली बार आखिर से नहीं लैने नेक्स्ट टाइम लैने होंगे दीवार का काम जारी
ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦੰਦ ਕਢਾਣ ਜਾਣਾ ਆਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਆਏ ਨੇ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਜਾ ਲਵਾਣੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਡੁੱਬ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜੀ ਬੱਕਰੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਲਵਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਵਾ ਦਿਓ ਜੇ ਕੁਤਰਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਅੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਂਗਣ ਕੇ ਪੌਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ 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 ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਬੈਂਗਣ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਗਿਰਾ ਹੋਇਆ ਸੁਰਾਹ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀੜਾ ਪੜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਹੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਥਾ ਸਰੇ ਰਾਹ ਚਲਤੇ ਚਲਤੇ ਬੈਂਗਣ ਕਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਸਿਰ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਉਸੇ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਐਸੇ ਹੋਏ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਜਨਾਬ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹਮਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪੱਕ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਮਨੇ ਹੈ ਵੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਚੋਰ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਅਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕੱਚੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਾਣੀ ਆਜ ਫਿਰ ਇਸ ਕੋ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਸਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਜੀ ਮਿਸ਼ਿੰਗ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਪ ਸੱਟਿਆ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿੱਚਿਆ ਸਨ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਬਕਰਾਇਆ ਮਿਸਿੰਗ ਕੋ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗੋਡੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨਕਾ ਜੀ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ ਛੋੜ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਫਿਰ ਤਾਹ ਯਾਦ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ ਉਮਰੇ ਰਫਤਾ ਇਸਕੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬੀਤ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਕੋਇਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਕੈਸੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਗਈ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਲਤ ਪਤਲੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਥ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਨਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਕਿਆ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬੁਲਾ ਕਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੈ ਹਾਲਤ ਪਤਲੂ ਕਿਧਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਦੂਰ ਖੜਾ ਅਭੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਹਮ ਅਗਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਸੀਨ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਲੂ ਪਤ ਹਾਲਤ ਪਤਲੂ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਜਬ ਦਿਨ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਡਵੈਂਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਕਤ ਹੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਉਹ ਚੰਦ ਮਿੰਟੋਂ ਮੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਲਤ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਅੱਛਾ ਗਿਫਟ ਆਇਆ ਗਿਫਟ ਆਇਆ ਸ਼ਾਪਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਪਰ ਅੱਗੂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗਿਫਟ ਦੇਣੇ ਜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ ਗਿਫਟ ਆਇਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਦੁਆਣੇ ਕੱਕੜੀਆਂ
पांच धोने। अच्छा ये जो आज के बाद जो भी सब्जी हमारी उतरेगी ना, जो पक गई होगी वो इसमें गिरा देंगे, तो महीने बाद यानी खाद बन जाने। दूसरी गई और बुलबुल आ गई उसी जगह पे। यादों को तेरी हम भुला ना सके, हो के कच्ची जगह पे गाड़ी तेज चलाए ना बाजू का, तो ऐसा लगता है जैसे जंडला आ गया। गाड़ी इस तरह हिलती है ना जोर जोर से। आदी आदमी था ओ परसों आदी आदमी ले आ दो आदी दाना है पिछले आदी आपने दूध का दाना है कर लेने छेती तेरा इंतजाम। माने को भी साइकिल जल्दी चाहिए जी, कहता है मैंने साइकिल लेके दूजे घर जाना है, एक घर रब का दूजा घर यार का। तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, हमने बर्बाद जिंदगी कर दी। दोस्तों से वफा की उम्मीदें, किस जमाने के आदमी तुम हो। मामान क्या कर रहे हैं चेक, मामान क्या कर रही है। ये बोलेगा ये किया माफ चाहिए पांच के। अच्छा कोई बंदा खरीदने आया। अच्छा मामा जो आज कुत्ता छोड़ा, कुत्ती छोड़ी, ये कुत्ती घर से कुत्ता है आज को। हाँ, उसको जरा खोल के ना पेशाब करवा देना क्योंकि वो थोड़ा सा घबराया होगा। ठीक है नहीं मामा हाँ कहती है मैं खोलता हूँ। सारे खुरकते ने रही तक नहीं। दो फीडर तो इनको लगा दिए, अब पानी वाला एक फीडर उस तरह का और आ जाएगा वो भी रख देंगे। खाने वाले दो फीडर लगा दिए, दो इधर और लगा देंगे ना। ये आ गए, एक में ये बैच बंडा और एक में गंदम। लाओ खाने लग पड़े हैं। पानी पी नहीं जाना, सुबह तक इन्होंने बिल्कुल फिट हो जाना। जिसे इन्होंने ला दिए थे ना इधर से काम खराब हो गया, लेकिन अब काफ़ी बेहतर है। मगर अब का टाइम हो गया, अंधेरा हो गया, इधर भी काम हो गया बंद। गर्मी आज बहुत ज़्यादा थी, सुबह इंशाल्लाह देखते हैं कल क्या बनता जी। गर्मी के हवाले से बारिशों का कोई चांस नहीं अभी भी, अगर इसी तरह रहा चंद दिन तो कहने कैद साली भी हो सकती है। जिसका भी गर्मी पड़ रही है काम खराब हो जाना। नहीं सुबह इंशाल्लाह होगी दोबारा मुलाकात, अल्लाह हाफिज़।